नमस्कार दोस्तों, लीगल ईगल चैनल में मैं राहुल सैफ आपका स्वागत करता हूं। आज खुश तो बहुत होगे तुम। इस टाइटल को पढ़ के आज आपके मन में बहुत उत्सुकता आई होगी, चलो ये वीडियो तो देख डालना है। तो आई गए हैं तो हम बताते हैं आपको कि इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो आपने गौर से अपने केस में देखा ही नहीं है। और सबसे अच्छी चीज तो यह है कि आपके वकील साहब चाहते भी नहीं है कि आप इस तरह की चीजों पर नजर डालें। और अगर आप समझ भी गए होंगे तो आपके वकील साहब ने कहा होगा, भैया इस तरह से केस नहीं लड़ा जाता, और तुम ज्यादा वकील बनते हो तो तुम लड़ लो केस, सबकी अपनी फाइल ले जाओ, उठा के फेंक भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप रेगुलर आते रहते हैं मगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वीडियो रोक कर अपना एक कर्तव्य निभा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। पसंद आए चैनल तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी इस जनहितकारी वीडियो को देख सकें। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे, हौसला बढ़ेगा मेरा। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं अपने, तो उन सवालों पर भी मेरा Q&A का एक सीरीज चलता रहता है, तो उसमें मैं आपके नाम के साथ वो सवाल लेता हूँ और फिर उनके जवाब भी देता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मुझे एक आइडिया है, एक मुद्दा है जिस पर वीडियो बनवाना चाहता हूँ, तो वो भी आप कोशिश कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको ध्यान से देखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो वीडियो भी बना के दूंगा। पत्नी को गिरफ्तार कैसे कराएं? पत्नी को गिरफ्तार कराने के बहुत सारे तरीके हैं। शुरुआत में है तो समझ लीजिए, अपने पत्नी से इंटरेक्शन कीजिए, जो वकील साहब का सबसे बढ़िया तरीका है। ब्लॉक कर दो, बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें केस में फंसा देगी। सिर्फ इतना सा कीजिए, लूज टॉक मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, कोई धमकी मत दीजिए, बात करते रहिए प्रेम पूर्वक। आपसे ज्यादा अच्छा कोई पति है नहीं, अच्छे नेचर से बात कीजिए। पत्नियां गुस्से में बोराती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, ब्लॉक मत कीजिए, उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संपर्क कीजिए। बस ये ध्यान रखिए, आप सबूत जुटा रहे हैं, आपको बातचीत जारी रखनी है। वकीलों की बातों में मत आइए, क्योंकि वकीलों को ये डर रहता है दोनों पार्टियों में अगर बातचीत हो गई और पैचअप हो गया तो ऐसी सूरत के अंदर ये कहीं तोता मैना वापस एक नहीं हो जाए। इसलिए आपको करना यह है कि अपनी पत्नी से किसी तरह से संपर्क कीजिए। ससुराल जाइए, वहां पर भी कोशिश कीजिए कुछ एविडेंसेस क्रिएट करने की। आपकी पत्नी अगर आपके पास आकर डिमांड क्रिएट करती है, किसी तरह के पैसे मांगती है, किसी तरह का आपसे कहती है कि मुझे इतना लाख रुपया दे दो, मैं आपसे पिंड छुड़वा लूंगी, मैं आपको छोड़ दूंगी, तलाक दे दूंगी, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग बना लीजिए। अगर आपकी क्षमताओं में वो पैसा देना नहीं और देना भी नहीं चाहिए, गलत काम के लिए पैसा क्यों दिया है, झूठा केस उसने लगाया, आपने थोड़े लगाया, और फिर आपके घर की बदनामी, आपके परिवार वालों को दुखी करना, उन सबको कोर्ट में घसीट के लाना, तो आप रिकॉर्डिंग बना के रखिए। ये रिकॉर्डिंग ज्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जैसे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है और आपको लगता है मजबूत बात कोई पैसे की डिमांड की उसके भाई बाप या पत्नी की तरफ से आ गई है, तो ऐसी सूरत में जाके सीधे FIR लॉन्च कराइए। नहीं होती है तो 156(3) के अंदर केस आप लगवा सकते हैं इस्तगासे के थ्रू कोर्ट से। तो उस सूरत में भी कोर्ट में इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। ये मत सोचिएगा जज मेरे पे कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है, जब आप इस तरह का कोई केस करने जाएंगे तो वकील साहब कहेंगे लड़कियों पे केस लगते हैं या नहीं, नहीं लड़कियों पे केस नहीं लगते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर केस ही खत्म हो गया तो कमाई कहां से आएगी। तो ऐसा अक्सर सारे वकील नहीं करते, पर ज्यादातर ये सिस्टम इसी तरह से है। हमारा जुडिशरी सिस्टम थोड़ा सा वीक है और उसको वीक करने में बहुत हद तक काला कोर्ट ही जिम्मेदार है और खाकी भी। तो अगर आप बिंदास इस तरह के एविडेंसेस बना पाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। काउंटर केस की स्ट्रैटेजी भी बनाइए जिससे कि आपकी पत्नी बैकफुट पे है। इससे जस्ट पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें काउंटर केस की स्ट्रैटेजी बनाई थी। अगर आप उस काउंटर केस, कम से कम 5 से 7 काउंटर केस एक लड़के के केस में बन सकते हैं आराम से, क्योंकि झूठे केसेस लड़की लगा रही है उसमें बहुत सारी गलतियां कर रही होती है। दूसरी चीज, जब लड़की अपनी FIR लिखवाती है तो उसके अंदर पूरी तरह से गलतियां कर रही होती है, बयानों में गलतियां कर रही होती है, अपने बयान कुछ दे रही होती है, FIR में कुछ लिखा रखा होता है, सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाइए, देखिए FIR लिखवा दीजिए। नहीं होती है पुलिस स्टेशन से FIR, इस्तगासा लगवा दीजिए 156(3) के अंदर, काम हो जाएगा। आप सिर्फ जज को समझाने में सफल रहिए, ये चीज ऐसे है, कम वकील मिलते हैं जो इस तरह की कार्रवाई करेंगे, पर आपको जूझना पड़ेगा वकील के लिए, पर यहीं जूझ गए तो केस 6-8 महीने में ही खत्म हो सकता है। अक्सर लड़कियां दहेज दिया या फादर की तरफ से पैसे दिए गए ये लिखवा देती है, इस सूरत में भी आप FIR करवा सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें अगर आप
ये देख लेते हैं अपने केस के अंदर, तो लड़की गिरफ्तार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी चीज यह है कि दोस्तों मेरे कंसल्टेंसी चार्जेस रहते हैं, अगर आप उसे व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो फिर मैं आपको 15 मिनट का आपको एक बात करने का मौका दूंगा, और उस दरमियान अगर आप लीगल लीगल की सर्विसेज लेना चाहते हैं जो कि एक तरीके से आपको एजुकेट करता है पूरे सिस्टम को समझने में और काफी जल्दी आपके केसेस को खत्म करने के लिए, तो उनके लिए भी आप उससे संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस को बहुत जल्दी खत्म किया सकता है, खत्म करने नहीं दिया जाता है। तो कुछ लोग चाहते भी हैं कि हम अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं, तो उस तरह के सेल्फ वॉरियर्स को हम लोग मदद करते हैं अपनी इन सर्विसेज के थ्रू। दोस्तों मजबूत बनिए, सुरक्षित रहेंगे, डरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लड़ने की हिम्मत सब में होती है, पर जीतने का मादा रखिए, जीतने की उम्मीद रखिए, तो आप इन केसेस में जीत सकते हैं। लड़की को केसेस में सड़ा दूंगा, तलाक दूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता लड़की को। एक डेढ़ साल बाद आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, दोनों बोरिंग जिंदगी जरूर जिएंगे, पर कुछ नहीं होगा। उन्हें केस में हराइए और जेल भेजिए, ये होता है बदला। 340 सीआरपीसी से लेकर बाकी सब आप लोग एजुकेटेड होकर आते हैं, सारे सेक्शन अप्लाई होते हैं, कम से कम 10 सेक्शन लगा सकते हैं एक लड़की अगर आपसे केस हार गई तो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।